Hello students, in the last video we have discussed the method of preparation of various alcohol using reduction methods, that is use of some reducing agent when we reduce aldehyde ketones or carboxylic acids with some reducing agents we will get the alcohols. The next method is Meravin-Pondroff-Verley reduction. In this method we use some higher ketone and we use other reagent is isopropyl alcohol. In the presence of aluminium isopropoxide, isopropyl alcohol है वहाँ पे उसका डेरिवेटिव हमारे पास isopropyl alkoxide बनता है. isopropyl alcohol हमारी ये होती है ना. अब aluminium में उसकी वैलेंसी हमारी 3 है तो हमारे पास यहाँ पे 3H की जगह एक एल्युमिनियम आ जाएगा. दिस इज आइसोप्रोपॉक्साइड कंपाउंड, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड जो हमारा इस रिडक्शन में हायर जो कीटोन है वो हायर अल्कोहल में और ये मॉलिक्यूल हमारा एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है. दैट मीन्स हमारे पास हायर एल्डिहाइड कीटोन के क्रॉसपॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल बन जाती है एंड साथ में एसीटोन बन जाते हैं. अब इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, जो हमारा एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड है उसका जो एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप में एच है वो हमारे हायर कीटोन पे अटैक करते हैं, रिडक्शन करते हैं और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है एल्युमिनियम के साथ बॉन्ड बना देते हैं. दैट मीन्स हमारे पास इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट क्या बनी, ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक होना शुरू हो गया कार्बन के साथ वाला और यहाँ पे हमारा ये वाला बॉन्ड बनना शुरू हो गया. हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे R2CH दैट इज क्रॉस बॉन्डिंग एल्कोहल बन जाएगी और यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप साथ में आ जाएगा. आइसोप्रोपाइल ग्रुप एल्युमिनियम के साथ दो लगे हुए हैं. अब आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के साथ हमारे पास क्या होएगा, जो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है वो हमारा एक एच क्रॉसपॉन्डिंग कीटोन से हायर एल्कोहल दे देगा और साथ में हमारे पास एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड कंपाउंड वापस आ जाएगा. वो फर्दर अदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के साथ ये रिएक्शन हमारी करता जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास एक और रिडक्शन मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड. उसकी हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं LH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ईथर के साथ रिडक्शन करते हैं, हमारे पास क्रॉस बॉन्डिंग एल्कोहल आ जाते हैं. नेक्स्ट है अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करें हमारे पास एल्कोहल आ रहा है, तो सिमिलरली अगर हम एस्टर्स की रिड्यूस करेंगे, जो एस्टर्स है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके हमारे पास क्रॉस बॉन्डिंग एस्टर बन जाते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल की हमने रिएक्शन करी, एस्टर बन गया. अब एस्टर की हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल आएगा RC डबल बॉन्ड OH और ये एल्कोहल आएगा. अगर हम रिडक्शन करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर हमारा एल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा. दैट मीन्स जब हम एस्टर की रिडक्शन करते हैं यूजिंग सोडियम एंड इथाइल एल्कोहल, यूजिंग LAH और ईथर, हमारे पास टू टाइप के एल्कोहल बनती है. वन इज OR पार्ट वाला एल्कोहल, सेकेंड इज कार्बोक्सिल पार्ट की रिडक्शन होकर हमारे पास क्रॉस बॉन्डिंग एल्कोहल कह देते हैं. इस रिएक्शन को हम बॉबी ब्लैंक, हम सोडियम इथोक्साइड यूज़ करें तो हमारे पास बॉबी ब्लैंक रिडक्शन हो जाता है. आप लोगों ने लोअर क्लासेस लास्ट ईयर लास्ट सेमेस्टर में एल्कीन के बारे में पढ़ा. एल्कीन मॉलिक्यूल्स की अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, दैट मीन्स उसमें एडिशन ऑफ वाटर करते हैं, तो हमारे पास क्रॉस बॉन्डिंग एल्कोहल बन जाती है. हमने तीन मेथड्स करे थे, एक तो हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एक हमने करी थी बोरेशन रिएक्शन, थर्ड हमने करी थी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन. सेकेंड सेम में हमने एल्कीन की केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था. सबसे पहले हम वही केमिकल रिएक्शन करें एल्कीन की, इन एसिडिक कंडीशन में हमारे पास क्रॉस बॉन्डिंग एल्कोहल आ गया. हमने मार्कोनिक ऑफ रूल के बारे में भी पढ़ा, जब हम एल्कीन की जो हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो हमारे पास मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होते हैं. हमारा वाटर का एच जो हमारे पास एल्कीन में हाइड्रोलिसिस हो रही है एच पॉजिटिव के प्रेजेंस में, जो नेट फाइनल प्रोडक्ट है उसमें एक जगह हमारे पास एच लग रहा है, एक जगह हमारे पास OH लग रहा है. अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल एच हमारा उस कार्बन पे जाएगा विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोस, OH हमारा इस पे चला जाएगा. दैट मीन्स जब हम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन करते हैं सॉरी, वहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल बन गई, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया.
अगर हमारे पास ये एल्कीन है, अगेन हमारा एच वाटर का उस कार्बन पे जाएगा विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एच यहाँ पे चला गया, यहाँ पे सी एच थ्री आ गया, ओ एच यहाँ पे चला गया, तो हमारे पास टर्शियरी एल्कोन आ गया। फिर हमने लास्ट सेमेस्टर में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन भी पढ़ी थी। उस केस में हमारे पास क्या होता है, मर्क्यूरिक एसिटेट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो हमारे पास जो एडिशन में मर्क्यूराइल कंपाउंड ऐड हो जाता है, मर्क्यूरस एसिटेट हो जाता है। जब हम इसके सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास ये ग्रुप की जगह एच आ जाता है। इस केस में भी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का फ्लू लोड ऐड होता है। अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो हमारे पास प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा। एक और हमने मेथड करा था, उसमें हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है एंटी मार्कोनी का बनता है, ऑल्दो हमारी एडिशन मार्कोनी का फ्लू के अकॉर्डिंग होती है, हमारी बोरेशन रिएक्शन थी। इस केस में हम एल्कीन में बोरेन ऐड करते हैं। एक जो बोरेन है वो तीन हाइड्रोजन एल्कीन में ऐड कर देता है, दैट मीन्स एक बोरेन मॉलिक्यूल के साथ तीन एल्कीन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे एक हुआ, हमारे पास BH2 और एक अल्काइल ग्रुप आ गया। दो और हमने ऐड करे, हमारे पास ट्राइअल्काइल बोरेन आ गया। इस ट्राइअल्काइल बोरेन के जब हम हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड बेस करते हैं, हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल आ जाती है, एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट आ जाते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में एडिशन करी है, उनमें ऐड करें तो उस केस में मेरे पास, अगर मार्कोनिक ऑफ रूल हम फॉलो करते हैं तो हमारे पास एच इस कार्बन पर जाता है, OH इस पर जाता है, बट हाइड्रोबोरेशन में हमारे पास एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट बनता है, दैट मीन्स एच इस कार्बन में जाएगा, OH इस पर जाएगा, हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लास्ट सेमेस्टर में हमने इन तीनों रिएक्शंस का, बोरेशन मर्क्यूरेशन सब रिएक्शन का हमने मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम एल्कोहल्स को कैसे बना सकते हैं, जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें जो हमारा आर पार्ट है RMGX, आर एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और हमारे एल्डिहाइड कीटोन्स में ऐड हो जाता है। अब इस केस में हमारे पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन हमने कर दिया, RMGX आर नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर अटैक करा, OP नेगेटिव चार्ज आए, मेरे पास इंटरमीडिएट स्टेट क्या बने, आर, ये सी पे आर अटैच हो गया, दो ग्रुप्स उस पर ऑलरेडी लगे, ओ नेगेटिव हो गया, MGX हमारा पॉजिटिव है, आर नेगेटिव है, MGX पॉजिटिव है, तो मेरे पास यहाँ पे ओ नेगेटिव है, दूसरा हिस्सा मेरा पॉजिटिव है। इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं यहाँ पे ओ एच लग जाता है और MGX OH हमारे पास बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर मैं एल्डिहाइड के टोन्स में से सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड ले रही हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड में मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करा तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर ने मेरा यहाँ पे अटैक करा, ओ पे नेगेटिव चार्ज करा, मेरे पास आ गया आर CH, ये दोनों हाइड्रोजन CH2 OMGX ऑन हाइड्रोलिसिस ये मुझे दे देगा आर CH2OH, दैट मीन्स मेरे पास प्राइमरी एल्कोहल बन गई। अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड की जगह कोई हायर एल्डिहाइड लेती हूँ, इट्स कैन बी एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनाल्डिहाइड, कोई भी हायर एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड हो गया ना, इस केस में मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, आर ने यहाँ पे अटैक करा कार्बन पे, इसकी मैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर अगर ऐसे बना, ओ पे नेगेटिव चार्ज किया, मेरे पास इंटरमीडिएट क्या आ गया, आर ये CH3 C, उस पर आर ने अटैक करा, OMGX उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH, कोई भी आर ग्रुप जो भी अटैक करे ग्रिग्नार्ड का, साथ में मेरे पास OH, दैट मीन्स इस केस में मेरे पास सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास है एसीटोन, इस केस में मेरी टर्शियरी एल्कोहल, अगर दैट मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करके अगर मैं प्राइमरी एल्कोहल बनाना चाह रही हूँ तो मैं फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ कर सकती हूँ, सेकेंडरी एल्कोहल बनाना चाह रही हूँ तो मैं अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड कोई भी एल्डिहाइड यूज़ कर सकती हूँ, बट अगर मैं टर्शियरी एल्कोहल बनाना चाहती हूँ तो मैं कीटोन कोई भी यूज़ कर सकती हूँ, डिपेंड करते हैं उससे उस टर्शियरी एल्कोहल में आर ग्रुप कैसे चाहिए। अब ये आर यहाँ पे अटैक करेगा, ओ पे नेगेटिव चार्ज आए, यहाँ पे MGX ऐड हो गया, ऑन हाइड्रोलिसिस मेरे पास OH आ जाएगा। नेक्स्ट है और हम एल्कोहल कैसे बना सकते हैं, मेरे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है, अगर उस एल्काइल हैलाइड में हैलाइड OH से रिप्लेस हो जाए,
ओ एच से रिप्लेस करने में कोई भी एक्वस बेस यूज कर सकते हैं। अगर एक्वस क्यू एच हम ले रहे हैं आर एक्स के साथ रिएक्शन से मेरे पास आर ओ एच बन जाए। एक और मेथड है यूजिंग एंजाइम्स, हमारे पास सुक्रोज मॉलिक्यूल है, जब हम उसको इन्वर्टेज एंजाइम के साथ ट्रीट करते हैं मेरे पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मॉलिक्यूल बन जाते हैं। उसकी अगर मैं फर्दर जाइमेज एंजाइम के साथ ग्लूकोज को ट्रीट कर दूँ मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग एल्कोहल इथाइल एल्कोहल एंड कार्बोक्साइड फॉर्मेंटेशन में जहाँ पे एल्कोहल प्रिपेयर होती है वहाँ पे ये रिएक्शन यूज करके एल्कोहल लार्ज क्वांटिटी में कमर्शियल स्केल पे बनाई जाती है। सारी हमारे डिफरेंट केमिकल मेथड्स हो गए एल्कोहल बनाने के, जिसमें हमने रिडक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ एल्कीन के अराउंड हाइड्रोलिसिस ये सारे मेथड्स करें। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट्स। और बस लोअर एल्कोहल से लोअर फर्स्ट मेंबर हमारे पास एल्कोहल सीरीज का मिथाइल एल्कोहल होता है जो कि हमारा लिक्विड होता है। इथाइल एल्कोहल भी लिक्विड होता है, दैट मीन्स जो हम अगर फिजिकल स्टेट देखें तो मेरे लोअर मेंबर्स एल्कोहल सीरीज के लिक्विड्स होते हैं, हायर मेंबर्स मेरे पास सॉलिड हो जाते हैं। ऐसे अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल स्टेट देख रही हूँ, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये चार मेरे पास गैसेस फॉर्म में होते हैं, लोअर मेंबर्स गैसेस हो गए उस केस में, थोड़े हायर मेंबर पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ये सारे मेरे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और हायर मेरे पास सपोज कार्बन 12 13 14 इतना नंबर हो रहा है तो मेरे पास सॉलिड हो जाते हैं। दिट मीन्स कोई भी अगर मैं होमोलोगस सीरीज का देखती हूँ, लोअर मेंबर्स गैशियस फिर लिक्विड जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट बढ़ता जाता है और फिर मेरे पास गैस सॉलिड्स होते हैं। इस केस में मेरा फर्स्ट मेंबर कुछ फ्यू मेंबर्स लिक्विड्स हैं, देन उसके बाद मेरे पास सॉलिड कंपाउंड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास किसी भी कंपाउंड का वो टेम्परेचर है जहाँ उसका वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। अब किसी भी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट को हमारा क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मेरे किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो मेरे मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएटेड हैं, ये मैं डिफरेंट दिखा रही हूँ, आपस में जॉइंट है, डॉटेड लाइन से मैं हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रही हूँ, जॉइंट है। अब सपोज मेरे पास टू मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग पड़े हैं, उनको मैंने वेपर्स बनाना है तो जो उनका टेम्परेचर रहेगा वेपर्स बन जाएंगे। बट अगर मेरे टू मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएटेड है, अगर उनको मैंने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पहले मुझे कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उनको अलग अलग करने के लिए, फिर मैं उनको और एनर्जी दूंगी सो दैट वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स जब भी मेरे पास एसोसिएशन होती है तो मेरे को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एक बड़ी फेमस कहावत है ना, एकता में बल है, दैट मीन्स जब चीज़ें जॉइंट होती हैं एसोसिएटेड होते हैं तो वी हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी, वी हैव टू डू मोर एफर्ट। सिमिलरली एल्कोहल्स के केस में वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेरे मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड है तो मुझे उस केस में मोर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी बॉयल करने के लिए, उनको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मेरे पास इथाइल एल्कोहल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा 46 के आसपास होता है, सेम मॉलिक्यूलर वेट वाली और कंपाउंड्स और फंक्शनल ग्रुप से मैं कंपेयर करूँ जहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लाइक ईथर लाइक इथेन ये प्रोपेन होगी सॉरी, अगर तीनों का मैं बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करूँ, मेरा जो एल्कोहल्स हैं उनका 351 के आसपास नियरली मेरा 70-80 डिग्री हो गया, 70 समथिंग हो गया। ईथर से ईथर्स के केस में मॉलिक्यूलर वेट एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है एज कम्पेयर टू एल्कोहल, बट मेरा बॉइलिंग पॉइंट लो है बिकॉज इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई। एल्केन प्रोपेन है वो तो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करे, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट और लो होंगे बिकॉज उस केस में ऐसी कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रेक्शन नहीं होती जिस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट या फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट हो। और हम क्या कह सकते हैं, मोर इज द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल क्यों शो करते हैं, हम लोगों ने लोअर क्लासेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा, जब मेरे किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव हो गया, सिमिलरली अगले मॉलिक्यूल में हमारे पास ऐसा हो जाएगा। अब इसका जो पार्शियल नेगेटिव पार्ट है
लाइक हम यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं, अगर वाटर मॉलिक्यूल इसके पार्शियल पॉजिटिव के साथ कुछ इंट्रैक्ट कर सकते हैं, एसोसिएशन शो कर सकते हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होंगे। ऐसे मेरे एल्कोहल में यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इट मीन्स पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आपस में एसोसिएट हो गए, तो जितना ज़्यादा एसोसिएशन हो जाएगी मेरे पास उतनी हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमरिक एल्कोहल। अगर हम आइसोमरिक एल्कोहलिक प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी का कंपैरिजन करें, सपोज मेरे पास ब्यूटेनोल है, उसको मैं ब्यूटेनोल या पेंटेनोल, पांच कार्बन है, ये मेरे पास लीनियर कार्बन एल्कोहल मॉलिक्यूल है, एन हो गया। उसी आइसोपेंटाइल सेकेंडरी एल्कोहल जो हमारे पेंटाइल एल्कोहल सेकेंडरी फॉर्म में है, हमारे पास सेकेंडरी मीन्स OH उस कार्बन से लगा हुआ है जो फर्दर टू कार्बन से जुड़ी हुई है, विच मीन्स हमारे पास उस एल्कोहल की स्ट्रक्चर ये वाली आ जाएगी, टोटल फाइव कार्बन होगी ना हमारी, ये हमारी सेकेंडरी एल्कोहल है बिकॉज हमारा जो OH उस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर टू कार्बन से जुड़ी है। टर्शियरी एल्कोहल में हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3, ये कार्बन जहाँ पे OH जुड़ा हुआ है फर्दर थ्री कार्बन से जुड़ी हुई है, दैट इज CH2, 1, 2, 3, 4, 8, 5। अब अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल की स्ट्रक्चर देखूँ, प्राइमरी एल्कोहल मेरी लीनियर मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल मेरा हेमिस्फीयर शेप, दैट मीन्स अगर मैं ऐसे देखूँ हेमिस्फीयर आधा सर्कल बन रहा है, और यहाँ पे मेरे पास स्फेरिकल फॉर्म है। हमें पता है सरफेस एरिया स्फेरिकल का लीस्ट होता है, लीनियर का मैक्सिमम होता है, मोर इज़ द सरफेस एरिया मोर विल बी द इंट्रैक्शन वैन डेर वर फोर्सेस मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। अब इस केस में टर्शियरी के केस में बॉइलिंग पॉइंट लीस्ट होएगा, प्राइमरी के केस में मैक्सिमम होएगा, दैट मीन्स अगर मैं आइसोमेरिक एल्कोहल का कंपैरिजन करूँ, प्राइमरी एल्कोहल हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, टर्शियरी हैज लीस्ट। देन हमारे पास सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी एल्कोहल इथेनॉल जो हमारे पास आते हैं स्पिरिट की फॉर्म में, वो वाटर में 96% हमारे पास एल्कोहल होती है, 4% वाटर होता है, दैट मीन्स जो मेरी लोअर एल्कोहल्स है मैं क्या कह सकती हूँ, वाटर में सॉल्युबल होती है। क्यों सॉल्युबल होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं, बट जो मेरी हायर मेम्बर्स होते हैं जैसे 6 कार्बन ऑनवर्ड्स हेक्सेनॉल, उस केस में मेरा हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता जाता है, जिस वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती जाती है। सपोज सिक्किन मिथेनॉल इथेनॉल मेरी कम्प्लीटली सॉल्युबल है, हायर मेंबर थोड़ा सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी एंड 6 ऑनवर्ड्स मेरी सॉल्युबिलिटी नेग्लिजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कोहल्स के केस में, वी विल डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। वन इज जहाँ पे मेरा एल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये एच एज अ निकल के कोई और ग्रुप रिप्लेस हो रहा है। सेकेंड रिएक्शन हम करेंगे जहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस मॉलिक्यूल में OH की जगह हमारे पास कोई और ग्रुप लग रहा है। थर्ड टाइप की रिएक्शन हम करेंगे जहाँ पे एल्काइल एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक सिंपल सी एग्जाम्पल आपने लोअर क्लासेज में भी पढ़ी है, OH मैं दिखाऊँ और यहाँ पे CH2 और H दिखा दो, अगर मेरी ये एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है तो मेरे पास क्रॉस बॉन्डिंग एल्कीन बनती है। ये मेरे पास कोई एग्जांपल होगी ना रिएक्शन जहाँ पे मेरा R पार्ट एज वेल एज OH ग्रुप दोनों इन्वॉल्व हो गए। ये वाली रिएक्शन में हम कर सकते हैं ना, जब मेरा ROH से HCl के साथ सपोज मैं रिएक्शन कर दूँ, RCl बन गया, इट मीन्स OH ही मेरी रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ। इस वाले केस में मैं अगर एल्कोहल की सोडियम के साथ रिएक्शन कर दो, मेरे पास सोडियम एल्कोक्साइड प्लस H2 गैस निकलती है, इस केस में मेरा H पार्ट इन्वॉल्व। तो ये तीनों टाइप की डिफरेंट रिएक्शंस हर कैटेगरी में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले रिएक्शंस हम करेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड। OH बॉन्ड में हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों एल्कोहल हो सकते हैं ना। अब मेरे पास जो OH बॉन्ड क्लीव कर रहा है, ये मेरी एल्कोहल्स एज एसिड बिहेव कर रही है। कोई भी कंपाउंड एसिड कब बिहेव करता है, जब वो H पॉजिटिव लूज कर देता है। एल्कोहल के केस में अगर H पॉजिटिव लूज होता है तो मेरे पास एल्कोक्साइड आयन आएगा, RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अगर मैं एल्कोहल की सोडियम, सोडियम मेरा बेस होता है,
हम कह रहे हैं ना एल्कोहल्स एसिडिक नेचर की अगर बिहेव करते हैं, एसिडिक की कब बिहेव करेंगे, जब मेरे पास बेस होएगा ना, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो मेरे पास सोडियम एल्कोक्साइड एंड एच पॉजिटिव बन जाता है। तो इस केस में मेरे पास आर ओ नेगेटिव स्पीशीज बनी। अब मैंने कंपेयर करना है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल में, जब मैं ओ एच बॉन्ड को क्लीव कर रही हूँ, तो तीनों में किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी जो मेरा इंटरमीडिएट सबसे स्टेबल होएगा। अब प्राइमरी एल्कोहल के केस में मेरे पास इंटरमीडिएट ये वाला एल्कोक्साइड आयन बनेगा, सेकेंडरी के केस में मेरे पास दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, मैं ऐसे दिखा दूँ, टर्शरी के केस में मेरा वो तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। कोई भी चार स्पीशीज पे अगर वो चार्ज इंक्रीज होता है, स्टेबिलिटी कम होती है, अनस्टेबल होता है। अगर वो चार्ज डिक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बढ़ाया कैसे जा सकता है अगर डोनेटिंग ग्रुप हो, रिमूव कैसे कर सकते हैं अगर विदड्रॉइंग ग्रुप हो। और हमें पता है जो मेरा अल्काइल ग्रुप है ना, वो डोनेटिंग ग्रुप है, ओ नेगेटिव है, उसको देने वाला एक ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, अनस्टेबल हो गया, देने वाले दो ग्रुप्स हो गए इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी और बढ़ गई, तो अनस्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू प्राइमरी ज़्यादा हो गई। टर्शरी के केस में ऐसे तीन ग्रुप आ गए, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो मेरे पास अनस्टेबिलिटी उतने एक्सटेंट तक बढ़ जाएगी। दैट मीन्स अगर मैं एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कंपेयर करूँ, प्राइमरी एल्कोहल में सबसे ज़्यादा स्टेबल होएगा एल्कोक्साइड, सेकेंडरी में उससे कम, टर्शरी में उससे कम, क्योंकि इसमें एक डोनेटिंग मिथाइल एल्काइल ग्रुप है, इस केस में दो और इस केस में तीन, तो ये मेरा हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर करूँ, अब कोई भी एल्कोहल एच पॉजिटिव कब लूज करेगी, जब उसका आर ओ नेगेटिव एल्कोक्साइड अनस्टेबल होएगा, प्राइमरी के केस में ये सबसे स्टेबल है तो ये मेरा सबसे इजीली दे देगा, सेकेंडरी के केस में उससे कम, टर्शरी के केस में उसमें कम। इट मीन्स जब मैं ओ एच बॉन्ड क्लीवेज किया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल का रिएक्टिविटी कंपेयर करती हूँ, तो मेरा प्राइमरी के केस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी, सेकेंडरी में उससे कम, टर्शरी में मेरी उससे कम होगी। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो भी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके ग्रिग्नार्ड का आर पार्ट एल्केन दे देता है, और जो मेरा कंपाउंड एच दे रहा है, दैट मीन्स ग्रिग्नार्ड का आर पार्ट ने ये वाला बॉन्ड क्लीव करा, एच ये दोनों एल्केन लेके क्रॉस बॉन्डिंग, और जो मेरा ग्रिग्नार्ड का बाकी हिस्सा है वो जो मॉलिक्यूल एच दे रहा है एसिडिक बिहेव करे उसके बाकी वाले एच को छोड़ के बाकी वाले पार्ट के साथ साइड प्रोडक्ट बना देते हैं। दैट मीन्स मेरे पास एम जी एक्स ओआर आ जाएगा। हमें पता है जो एसिटिलीन्स हैं वो भी एसिडिक होती हैं, एसिटिलीन्स एसिडिक होती हैं, वो ग्रिग्नार्ड के साथ एल्केन दे देंगे, साथ में मेरे पास एम जी एक्स सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच आ जाएगा। ऐसा ग्रिग्नार्ड मॉलिक्यूल्स, कोई भी कंपाउंड जो इजीली एसिडिक बिहेव कर सकता है, जो एच पॉजिटिव इजीली दे सकते हैं, उनके साथ रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड का आर पार्ट क्रॉस बॉन्डिंग एल्केन दे देगा। अगर यहाँ पे मेरे पास इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड होता तो मेरे पास इथेन आ जाता। देन हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने लोअर क्लासेस में पढ़ी है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हम एस्टर बना लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल लूज करते हैं और हमारे पास क्रॉस बॉन्डिंग एस्टर आ जाता है। अगर हमारी ये हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होती है, डाइल्यूट एसिड होती है, तो इस रिएक्शन का नेम फिशर सप्लाई है, एस्टेरिफिकेशन हो जाता है। अब हमारे पास इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी हम अगर एसिडिक कंडीशन में प्रोटोनेशन हो जाती है, प्रोटोनेशन दिस ये ऑक्सीजन की हुई, मेरे पास ऑक्सीजन लोन पेयर एच को चला गया, ओ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ओ पे शिफ्ट हो जाएंगे,
दैट मीन्स मेरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये कार्बन एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गई और एल्कोहल की ओ का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा। अब इस ओ ने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया ओ पे, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये वाला पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एच ऐसे पॉजिटिव निकल गया, एच जब ऐसे पॉजिटिव निकल गया दिस ओ एच पे अटैच हो गया, यहाँ पे ओ एच टू पॉजिटिव बन गया, यहाँ पे ओ आर डैश आ गया। अब ये हमें पता है ना कार्बन पे अगर मोर देन टू ओ एच या टू ओ एच ग्रुप हो तो अनस्टेबल होते हैं, तो ये यहाँ पे दिस लोन पेयर विल फॉर्म डबल बॉन्ड और ये ओ एच टू पॉजिटिव। हमें पता है ना एज एज कम्पेयर टू ओ एच ग्रुप, ओ एच टू वाटर इज गुड लिविंग ग्रुप, एच टू ओ वाटर इज गुड लिविंग ग्रुप, तो ये यहाँ पे एच टू निकल जाता है और हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर आ जाता है। दैट मीन्स जब भी मैं स्टेरिफिकेशन कर रही हूँ मेरे पास यहाँ भी ओ एच लगा हुआ है, यहाँ भी ओ एच लगा हुआ है। इन्होंने आइसोटॉपिक स्टडीज़ करी, रेडियो एक्टिव स्टडीज़ करी, उस केस में इन्होंने एल्कोहल रेडियो एक्टिव ले ली, उसकी जो ऑक्सीजन है रेडियो एक्टिव 18 वाली ले ली इंस्टेड ऑफ 16। वहाँ पे क्या फाइंड आउट हुआ, जो मेरा एस्टर बन रहा है वो भी रेडियो एक्टिव बन रहा है। वो कैसे पॉसिबल है, अगर एल्कोहल का ये ओ पार्ट ओ आर पार्ट एस्टर का हिस्सा बन रहा है, वहाँ से ये मैकेनिज्म इस्टेब्लिश हो गया, दैट इज बॉक्सिक एसिड है, रेडियो एक्टिव एल्कोहल है, तो मेरे पास रेडियो एक्टिव एस्टर तना की वाटर। सिमिलर लाइन्स पे मेरे पास रिएक्शन है, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड। जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की एल्कोहल के साथ रिएक्शन करी तो मेरे पास एस्टर बन गया। अब मैंने एस्टर बनाने इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड यूज़ करती हूँ। अब मेरे पास एसिड क्लोराइड है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी, उसके एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके मेरा एस्टर बन जाएगा। अब इस केस में जो मेरा वेस्ट प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट है, वो एच सी एल निकल रहा है एंड एच सी एल एसिड है, वो मेरी रिएक्शन में मैं रिएजेंट पीरीडीन यूज़ करती हूँ, उसको न्यूट्रलाइज करता रहेगा, रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती रहेगी। अगर मेरे पास किसी रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट एसिड्स या बेसिस बनते हैं तो मैं रिएजेंट उस रिएक्शन में कुछ अमाउंट, अगर एसिड बन रहा है तो बेस डालूंगी, बेस बन रहा है तो एसिड डालूंगी, सो देट वो न्यूट्रलाइज होता रहे और लीचिट क्लियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती रहे। नेक्स्ट है, अगर मेरे पास एसिड क्लोराइड की जगह एनहाइड्राइड है आर सी डबल बॉन्डो ओ सी डबल बॉन्डो आर, साथ में एल्कोहल है, इस केस में मेरा ये वाला पार्ट दैट इज इस ओ ने अटैक करा यहाँ पे और ये ग्रुप मेरा निकल गया, तो मेरे पास एस्टर क्या बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश और साथ में ये वाला पार्ट क्रॉसबॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, अगेन एसिड बन गया। मैं रिएक्शन में पीरीडीन भी यूज़ करती हूँ सो दैट ये एसिड न्यूट्रलाइज होता है। इस केस में मेरा एल्कोहल का ओ यहाँ पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस डबल बॉन्ड बना और ये ग्रुप निकल गया, मेरे पास क्रॉसबॉन्डिंग एस्टर्स आ जाएंगे। अगर मैं रिएक्शन में बेंजोइल क्लोराइड दैट इज सी सिक्स एच फाइव सी ओ सी एल यूज़ करती और साथ में मेरे पास एल्कोहल है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एन एच मेरे पास जो क्रॉसबॉन्डिंग एस्टर बनेंगे और इस रिएक्शन को स्कॉटन बॉमन रिएक्शन कहते हैं, यहाँ पे हमारा बेंजोइल क्लोराइड हो जाता है यूज़। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का हमारे पास क्या मैकेनिज्म है। इस केस में हमारे पास ये हमारा बेंजोइल क्लोराइड सी सिक्स एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ सी एल हो गया, एल्कोहल के साथ हमारे एल्कोहल का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करा, ओ पे नेगेटिव चार्ज आया, वापस डबल बॉन्ड बना, ये ग्रुप मेरा लीव कर गया। इट मीन्स मेरे पास इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर क्या बनी, सी सिक्स एच फाइव सी ओ नेगेटिव सी एल, यहाँ पे मेरे पास ओ पे आर साथ में एच और पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एच मेरा निकल जाएगा, मेरे पास यहाँ पे ये मॉलिक्यूल आ जाएगा, देन उसके बाद ये नेगेटिव डबल बॉन्ड बनाएगा, ये ग्रुप मेरा निकल गया, तो मेरे पास माइनस एच सी एल, एच यहाँ पे था जो निकला सी एल ये वाला, साथ में सी सिक्स एच फाइव
सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। एच सी एल निकल रहा है, ए सी निकल रहा है, तो मुझे कुछ बेस चाहिए। बेसिक कंडीशन में एन ओ एच भी हो सकता है, पेरिडीन भी हो सकता है, सो देट उसको न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी रिएक्शंस की, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ सी ओ एच बॉन्ड। अब इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अगर मेरा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये मेरा ओ एच नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव, दैट इज कैटायंस बनेंगे। अगर मैं आर ओ एच बॉन्ड को ब्रेक करें तो मेरे पास कैटायन बनेंगे। प्राइमरी एल्कोहल के केस में सी एच थ्री सी एच टू ओ एच के केस में प्राइमरी कार्बो कैटायन बन जाएगा। सेकेंडरी के केस में मेरे पास सेकेंडरी कार्बो कैटायन बन जाएगा। टर्शरी के केस में टर्शरी कार्बो कैटायन बन जाएगा। सपोज मेरे पास ये वाली टर्शरी एल्कोहल है, तो इस केस में मेरे पास टर्शरी कार्बो कैटायन बन जाएगा। अब आउट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बो कैटायन मेरे पास कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कैसे देखूंगी मैं? हमने कुछ मिनट्स पहले डिस्कस करा, कोई भी चार्ज स्पीशीज है, अगर उस पर वो चार्ज इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी कम होती है, वो चार्ज कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज कम होएगा। प्राइमरी के केस में ओनली वन डोनेटिंग ग्रुप, सेकेंडरी के केस में वी हैव टू डोनेटिंग ग्रुप, टर्शरी के केस में वी हैव थ्री डोनेटिंग ग्रुप। जितने ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप आएंगे उतने पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होगी, उतना स्टेबल होएगा। सेकेंडरी केस में स्टेबिलिटी और कम, प्राइमरी केस में लीस स्टेबल होगा। दैट मीन्स मेरे पास अगर मैं एल्कोहल का ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूँ तो प्राइमरी टर्शरी कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होंगे, टर्शरी एल्कोहल की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगी, फॉलोड बाय सेकेंडरी फॉलोड बाय प्राइमरी। ये मेरे पास कब आ रहा है, जब यहाँ पे हमारे पास कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट दैट इज एस एन वन से रिएक्शन हो रही है, टू स्टेप मेरी रिएक्शन हो रही है। बट अगर मेरे पास ये रिएक्शन एस एन टू मैकेनिज्म से हो रही है तो मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है। वी नो ट्रांजिशन स्टेट के हमारी, जब हमारी रिएक्शन एस एन टू रिएक्शन मैकेनिज्म से हो रही है, मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, तो उस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। उस केस में मेरा जो बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियस होता है। सपोज मेरे पास कोई भी एल्कोहल है और मैं क्रॉस बॉन्डिंग हलाइड बना रही हूँ, दैट इज सी एन नेगेटिव अटैक कर रही है, ये बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, ये बॉन्ड मेरा ब्रेक होना शुरू हो जाता है, इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो इस केस में मेरी स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है, बिकॉज एट अ टाइम जो मेरी ये कार्बन है उस पर पांच ग्रुप्स आ गए, पांच ग्रुप्स आ गए, ये दो हाइड्रोजन एक दिस एल्काइल ग्रुप, एक सी एल, एक ए ओ एच। तो उस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, मेरे पास जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या हम दिखा देंगे, ए ओ एच बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया, यहाँ पे मेरे पास सी एच थ्री हो गया, यहाँ पे मेरे पास एच हो गया और ये क्लोरीन वाला बॉन्ड बनना शुरू हो गया। तो इस केस में जो मेरी प्राइमरी एल्कोहल्स है उस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस लीस्ट होगी, तो मेरी प्रेफरेबल जो रिएक्शन है प्राइमरी के केस में फास्ट होगी, सेकेंडरी में उससे कम, टर्शरी के केस में मेरी लीस्ट उस पर होगी। ऐसे अगर मैं कंपैरिजन करूं, जब मैं अल्कोहल की रिएक्शन करी, सपोज मैं कोई भी हैलोजन एसिड से करें, एच आई एच बी आर एच सी एल, हमें पता है जो एच आई है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, दैट मीन्स वो बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाती है। तो इस केस में रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा एच सी एल में, उससे कम होगा। हम लोगों ने लास्ट ईयर इनऑर्गेनिक में एसिड करेक्टर कंपेयर करा था ना, एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई, एच एंड एफ, एफ स्मॉल साइज का होता है बॉन्ड, उनके बीच में प्रॉपर ओवरलैपिंग होती है, बॉन्ड स्ट्रांग होता है, दैट मीन्स एच एफ मेरा वीक एसिड होता है। जो एच आई है, जैसे जैसे हम फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन एंड आयोडीन नीचे जाते हैं, साइज में बहुत डिफरेंस हो गया, बॉन्डिंग मेरी वीक हो गई, वीक होगी तो मेरा एच आई मोस्ट रिएक्टिव हो जाता है। अब हमारे पास है रिएक्शंस जहाँ पे ओ एच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल है, एच सी एल के साथ रिएक्शन दे रही है। हमने पढ़ा कि रिएक्शन एस एन वन मैकेनिज्म से हो रही है, टर्शियरी के एल्कोहल के केस में सबसे फास्ट होंगी, सेकेंडरी में उससे कम, प्राइमरी में उससे कम। जब हम एच सी एल के साथ रिएक्शन करें टर्शियरी के केस में, हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, शेक कर देते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है।
बट जो प्राइमरी सेकेंडरी हम कह रहे हैं ना, इसके इसमें रिएक्शन स्लो हो रही है, तो हमें एडिशनल लुईस एसिड चाहिए जो इस रिएक्शन को करता है। और हमारे पास यहाँ पे एक और रिएक्शन है, उस मतलब एक और नेम है उसके, इसमें हम क्या कंपैरिजन करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का। सपोज मेरे पास तीन बीकर है, एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्शियरी अल्कोहल है, तो तीनों के केस में मैंने HCl ऐड कर दिया। इसमें मेरे पास प्रोडक्ट टर्बिडिटी ऑयल इमीडिएट अपीयर होगी, वो दैट मीन्स वो मेरा बीकर टर्शियरी अल्कोहल वाला होगा। बाकी दोनों के केस में टर्बिडिटी ऑयल नहीं अपीयर हो रहा, दैट मीन्स क्रॉस बॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड नहीं होगा। फिर उनमें मैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डाल रही हूँ, जिस केस में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डालने पर रिएक्शन थोड़ी जल्दी हो गई, वो मेरी सेकेंडरी अल्कोहल है, और जिस केस में सबसे लेट हुई वो मेरी प्राइमरी अल्कोहल वाला बीकर है। देन उसके बाद हमारी रिएक्शन है अल्कोहल से, हमने अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है। मैं अल्कोहल के HBr के साथ रिएक्शन कर दूँ और उसको मैं एसिडिक कंडीशन में रिफ्लक्सिंग या हीटिंग हमारी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर भी होती है, कॉरस्पॉन्डिंग ब्रोमाइड्स बन जाते हैं। ऐसी HI के केस में मैं रिफ्लक्स करती हूँ अल्कोहल के साथ, तो मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग आयोडाइड्स बन जाते हैं। अब इस केस में हमने भी थोड़ा टाइम पहले डिस्कस करा, अगर मेरे पास SN2 मैकेनिज्म है तो मेरी रिएक्टिविटी ऑर्डर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है, प्राइमरी मोस्ट रिएक्टिव है। अगर मेरे पास रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से हो रही है तो मेरी टर्शियरी अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव है। सबसे पहले हम SN2 का मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। HX एच पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव, एल्कोहल की H के साथ रिएक्शन हुई, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनी। अब X नेगेटिव ने अटैक शुरू करा, X नेगेटिव और कार्बन का बॉन्ड बनना शुरू हुआ और ये वाला बॉन्ड मेरा ब्रेक होना शुरू हो गया। मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट आ गई एंड मेरे पास क्रॉस बॉन्डिंग प्रोडक्ट RCH2X आ गया। और SN2 मैकेनिज्म में जो मेरा प्रोडक्ट है इन्वर्टेड स्टीरियोकेमिस्ट्री का बनता है, बिकॉज X नेगेटिव ऑपोजिट से अटैक करता है, X ये वाला OH इस साइड से ब्रेक हो रहा है तो X ऑपोजिट साइड से अटैक करके मेरे पास क्रॉस बॉन्डिंग प्रोडक्ट बन जाता है। देन हमारे पास अगर ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से हो रही है, SN1 मैकेनिज्म से हो रही है, मेरे पास इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, प्रोटोनेटेड एल्कोहल देन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन पे एक्स नेगेटिव ने अटैक करा, मेरे पास क्रॉसबॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड बन गया। अब एक्स नेगेटिव कार्बोकेटाइन पे अटैक करा एंड वी नो कार्बोकेटाइन्स आर प्लेनर स्पीशीज, अटैक मेरा इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, दिट मीन्स उस केस में जो मेरा प्रोडक्ट है रेसमिक मिक्सचर बनेगा। देन जो हमारे पास जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है उसको हम ग्रूव्स प्रोसेस भी कह रहे हैं, उसके इसमें हमारे पास रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म है, लुईस एसिड है, अल्कोहल लुईस बेस है बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर पड़ा होता है, लुईस एसिड बेस मिक्स होकर मेरे पास ये सॉल्ट कह लो, एसिड बेस कंपाउंड कह दो, ये कंपाउंड बन गया। देन उसके बाद अगर ये मेरी रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से हो रही है तो मेरे पास कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन गया, उस कार्बोकेटाइन में Cl नेगेटिव ने अटैक करा तो मेरे पास क्रॉसबॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड्स बन जाएंगे। और हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है कार्बोकेटाइन्स रीअरेंज भी कर जाते हैं, अगर मेरे पास कंपाउंड में पॉसिबिलिटीज हैं, कार्बोकेटाइन मेरा अगर प्राइमरी है और उस केस में मिथाइल या हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, सेकेंडरी या टर्शियरी बन जाए, तो मेरे पास क्रॉसबॉन्डिंग प्रोडक्ट उस अकॉर्डिंग बन जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ये वाली अल्कोहल है, OH मेरा प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ है, ये कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ी हुई है, तो ये मेरी प्राइमरी अल्कोहल होगी। इस केस में मेरी प्रोटोनेशन हुई, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनी एंड वाटर का लॉस होकर प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना। अब इस केस में अगर यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट हो जाए तो मेरे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन गया, टर्शियरी कार्बोकेटाइन पे Cl नेगेटिव अटैच होकर मेरे पास क्रॉसबॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड्स बन जाएंगे। अगर ये मेरी रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से हो रही है, वो कब पॉसिबल है, SN2 मैकेनिज्म है जो मेरे पास जिंक क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन लो है, हमने पढ़ा है ना रेट ऑफ रिएक्शन मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रिएजेंट पर डिपेंड करता है। अगर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट दैट इज जिंक क्लोराइड बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो मेरी रिएक्शन इसके विद रिस्पेक्ट नहीं, इस पर कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करेगी क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट रिएक्शन ऑलमोस्ट कॉन्सेंट होगी, उसके इसमें सिर्फ अल्काइल अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। बट अगर मेरे पास जिंक क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन लो है, दोनों पे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी, उसके इसमें मेरे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनी,
प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे जब जिंक ZnCl3 के Cl नेगेटिव ने अटैक करना शुरू करा, साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, मेरे पास क्रॉस बॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड्स आ जाएंगे।